हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच हेल्पन। कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग पांच बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं जो नए और पुराने सभी यूजर्स के लिए जानना जरूरी है। कुछ इन्फॉर्मेशन तो ऐसे हैं जो आप लोग जान के शॉक्ड हो जाओगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इग्नो के रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट अगर आप लोग फेस करते हो तो आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कि कैसे कॉल करना है, ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उसे आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग पांच इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टर्म एग्जामिनेशन रिजल्ट के बारे में, उसके बाद से एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो बहुत शॉकिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले रिजल्ट के बारे में देख लो कि आप लोग का रिजल्ट का स्ट्रेंथ अपडेट कर दिया गया। 18 मार्च तक यहां पे रिजल्ट शो हो रहा है और मेरे पास जितने स्टूडेंट्स का रिजल्ट पेंडिंग का लिस्ट था, एक मेरे पास वो लिस्ट है जिसमें जितने स्टूडेंट्स का जो जो सब्जेक्ट का पेंडिंग है उसका लिस्ट है। ठीक है ना, तो उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स का मैंने देखा है कि रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। कुछ कोलकाता रीजन के ACC 1 का रिजल्ट भी पेंडिंग है, NC 1 भोपाल रीजन का कुछ कुछ पेंडिंग है और कुछ कुछ पेंडिंग है, बाकी मैक्सिमम स्टूडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पे आप लोग देख लो HI 4 का आज 16 मार्च को अपडेट शो कर रहा है। यहाँ पे उसी तरीका से FEG 2 का एक स्टूडेंट का पेंडिंग था, 17 मार्च को अपडेट शो कर रहा है। उसी तरीका से एक और पेपर देख लो, FEG 2 का एक और अपडेट कर दिया गया है। उसके साथ में यहाँ पे MSD 14 का एक पेपर का बाकी बचा हुआ था, 18 मार्च को यहाँ पे अपडेट शो कर रहा है। उसी तरीका से एक स्टूडेंट्स का यहाँ पे देख लो, ECO 02 का अपडेट बाकी बचा हुआ था, वो अपडेट कर दिया गया है। एक और अपडेट में दिखा दे रहा हूँ, BLI 011, उसका 17 मार्च को अपडेट किया गया। ठीक है, और ग्रेड कार्ड अभी 12 मार्च तक ही अपडेट किया गया है। ग्रेड कार्ड मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, आज जो भी स्टूडेंट का अपडेट किया गया उसका ग्रेड कार्ड में मार्क्स एड नहीं किया गया है। अब थोड़ा सा जो शॉकिंग न्यूज है उसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद से आगे की और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को बताता हूँ। देखो, आप लोग ने सोचा होगा या गौर किया होगा कि मैं आप लोग से फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगवाने के लिए बहुत ज्यादा हर बार जिक्र करता हूँ, हर बार आप लोग को बोलता हूँ, फोर्सफुली बोलता हूँ कि आप लोग जरूर मंगाओ। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं क्यों इतना फोर्स करता हूँ। देखो, उसके पीछे एक वजह है, इग्नू फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट आप लोग ज्यादा मंगाओगे तो इग्नू मुझे कोई कमीशन नहीं देगा, जो 100 रुपीज आप लोग का चार्ज लगता है, लेकिन वो मंगवाने का या आप लोग को बोलने का कुछ वजह है ताकि आप लोग को कुछ सच्चाई के बारे में पता चले। देखो, एक स्टूडेंट्स का ऐसा आप लोग के साथ भी हुआ होगा, एक स्टूडेंट्स का मार्क्स आया, जब उन्होंने रिजल्ट चेक किया तो उनका मार्क्स आया 2 MT 1 में, 2 बाकी सभी पेपर में उनके अच्छे मार्क्स आए थे लेकिन MT 1 में मार्क्स आया 2। ठीक है, तो नॉर्मली अगर स्टूडेंट्स कोई देखेगा कि मेरा मार्क्स MT 1 में 2 आया तो उसको लगा होगा कि मैंने जो भी आंसर लिखे होंगे वो गलत होगा। लेकिन जब उन्होंने फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगाया तो उन्होंने देखा कि उनका मार्क्स आया था 21, लेकिन देखिए यहाँ पे कैलकुलेट अगर आप लोग कीजिएगा, 2, 2, 4, 2, 6, 10, 16, 3, 19, 20, 21, ठीक है, 21 मार्क्स उनका आया है, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसमें लिखा हुआ है 2, यानी कि जो मार्क्स अपडेट करते हैं उन्होंने गलती से यहाँ पे 21 की जगह पे यहाँ पे सिर्फ 2 लिख दिया। और हैरत की बात यह है कि ये मार्क्स ग्रेड कार्ड में अपडेट भी हो गया। यहाँ पे आप लोग देख लो, MT 1 का यहाँ पे 4 शो हो रहा है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 50 मार्क्स का 100 मार्क्स का मल्टीपल में कैलकुलेट होता है ना, तो उसका डबल लिख दिया जाता है, 2 के जगह पे यहाँ पे 4 कर दिया। अगर ये स्टूडेंट फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट नहीं मंगाते तो इनको पता ही नहीं चलता कि इनका मार्क्स 21 आया है जिसको 2 लिख दिया गया है। और ये सिर्फ इन्हीं स्टूडेंट्स के साथ नहीं हुआ है, ऐसे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगवाया तब उनको पता चला है कि यहाँ पे मार्क्स ही गलत कैलकुलेट किया हुआ है, या फिर यहाँ पे मार्क्स कुछ और लिखा हुआ है और रिजल्ट में उन्होंने जल्दबाजी में हो सके तो यहाँ पे मार्क्स गलत लिख दिया, उसके बाद से वो अपडेट भी हो गया है। तो ये कितनी बड़ी लापरवाही है। इसीलिए मैं आप सभी स्टूडेंट से बोलता हूँ कि अगर आप लोग रीचेकिंग के लिए अप्लाई नहीं भी कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप लोग फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए जरूर अप्लाई करो, ताकि आप लोग को एटलीस्ट पता चले कि आपका मार्क्स किस तरीके से कैलकुलेट किया हुआ है, आपका पेपर चेकिंग किस तरीके से हुआ है, आपके जो मार्क्स मिले वो सही मिले हैं या नहीं मिले हैं। बहुत बार आपने ऐसे देखा होगा कि फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट मंगवाओगे तब पता चलेगा आपको कि आपका पेपर चेकिंग ही नहीं हुआ, कितने सारे क्वेश्चन को बस इसी तरीके से टिक आउट कर दिया गया, कितने सारे क्वेश्चन को इसी तरीके से छोड़ दिया गया है। तो जब तक आप फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट नहीं मंगाते हो तब तक आपको पता नहीं चलता, ये सिर्फ 100 रुपीज लगता है। ठीक है, तो उसी तरीके से देखो यहाँ पे भी इनके साथ भी हुआ, 21 मार्क्स के जगह पे सिर्फ 2 मार्क्स लिखा हुआ है और उसको ग्रेड कार्ड में भी अपडेट कर दिया गया है। अगर वो नहीं बोलते या नहीं देखते, नहीं मंगवाते तो उनको कभी पता ही नहीं चलता, उनको फिर से दोबारा एग्जामिशन देना पड़ता। तो आप सभी स्टूडेंट्स सतर्क हो जाओ, जितने भी स्टूडेंट्स का अगर मार्क्स कम आता है या ज्यादा भी आता है, जितना भी आता है, आप लोग एक बार तो फोटोकॉपी जरूर मंगवाओ और देखो कि क्या आपका मार्क्स जो मिला है वो सही में उतना मार्क्स आया है या नहीं आया। और अगर मान लो सब कुछ कैलकुलेशन में भी सही होगा, जरूरी है कि सभी के साथ ऐसा हो, अगर मान लो अगर आपके साथ नहीं होगा तो कम से कम आपको ये तो पता चलेगा कि आपका पेपर चेकिंग किस तरीके से हुआ है, कहां-कहां पे मार्क्स डिटेक्ट हुआ है, तो उसको आप लोग इंप्रूव कर सकते हो। और जितने भी स्टूडेंट्स के पास आया तो वो मेक श्योर कि आप लोग मुझे एक बार तो फॉरवर्ड जरूर करो, ताकि मैं एक बार तो देख लूं आप लोग का जो आंसर शीट है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है आप लोग को या नहीं, या उसमें कोई भी चीज की इंफॉर्मेशन अगर देनी होती है तो मैं आप लोगों को
जरूर बताता हूँ, तो अगर आपके पास आए तो जरूर मुझे एक मरतबा इन्फॉर्मेशन देना। और एक और बात मैं बता दूँ कि फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट ईमेल के द्वारा आने वाला था, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स के पास ईमेल के द्वारा भी आ रहा है और बहुत से स्टूडेंट्स के पास बाय पोस्ट भी आ रहा है, ठीक है। तो इस बार दोनों ही आ रहा है, बहुत से स्टूडेंट्स के पास फोटोकॉपी मेल में भी आया है और बाय पोस्ट भी आया है। कुछ स्टूडेंट्स का गुजरात में है उनका मेल में आया है, भोपाल में एक स्टूडेंट से उनका मेल में आया है, शिलोंग में एक स्टूडेंट से उनका मेल में आया है, और बाकी कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास हार्ड कॉपी भी आया है, ठीक है। तो एक मेघालय की एक लड़की थी, उन्होंने मुझे मेल किया कि उनका हार्ड कॉपी आया है, ठीक है ना। तो उस तरीके से दोनों में भी आ रहा है, ठीक है। अब ये दो इन्फॉर्मेशन हो गया। अब तीसरा इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं, वो है एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर, और वो मैं जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ जिन्होंने जनवरी 2020 सेशन में एडमिशन लिया है। तो देखो, जितने भी स्टूडेंट्स ने जनवरी 2020 सेशन में एडमिशन लिया था उनको अभी एग्जाम फॉर्म फिलअप करने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा आप लोग कि आप लोग का जो एग्जाम फॉर्म होगा वो सितंबर में फिलअप होगा और एग्जाम होगा वो दिसंबर में होगा। एक्चुअली क्या है कि जब इग्नू ने एडमिशन स्टार्ट किया था तो वहां पे आप लोग का सेमेस्टर वाइज ही लिखा होगा, इसलिए आप लोग को कंफ्यूजिंग हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि इग्नू ने 28 फरवरी को तो आप लोग का लास्ट डेट था फ्रेश एडमिशन करने का, तो आप नॉर्मली समझो कि 28 फरवरी का अगर किसी कोई भी सेशन का लास्ट डेट रहेगा और आप लोग का एग्जामिशन फॉर्म मार्च में ही कैसे सबमिट हो जाएगा, क्योंकि 15 दिन तो लग जाता है नॉर्मली आप लोग का एडमिशन कंफर्म होने में। तो उसी तरीके से कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं हो सकता है कि एडमिशन लेगा और एक महीना बाद आप लोग का टर्म इन का एग्जामिशन स्टार्ट होगा या सेमेस्टर वाइज स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए इग्नू ने अभी फिलहाल के लिए आप लोग का ईयरली वाइज कर दिया है और आप लोग का जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होगा वो सितंबर में होगा और एग्जाम होगा वो दिसंबर में होगा, और असाइनमेंट भी सबमिट करना है वो भी सितंबर में है, ठीक है। हालांकि अगर बीच में कोई इन्फॉर्मेशन आया या मैं डिपार्टमेंट से अगर पता करूं, अगर कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास आए तो मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं। तो मेक श्योर कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप लोग को सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। अब देखो, चैनल सब्सक्राइब करने में भी एक वजह मैं बताता हूं कि एक स्टूडेंट दो दिन पहले मुझे कॉल किए थे, उनको दिसंबर में एनी हाउ अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट करना था लेकिन वो अब कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो रीरजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए। क्यों नहीं करवा पाए? क्योंकि उनको पता ही नहीं चला कि रीरजिस्ट्रेशन हो रहा है। अब क्या होगा कि अब वो जून में अपना सेकंड ईयर का एडमिशन करवाएंगे रीरजिस्ट्रेशन और उनको जून में 2021 में अपना डिग्री उनका कंप्लीट होगा, जबकि उनको एनी हाउ एग्जामिनेशन के लिए दिसंबर में कंप्लीट करना था। तो क्या होगा कि आप लोग अगर आप अप्लाई कर दोगे तो मेक श्योर अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो उससे होगा ये कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। अगर आपके रिलेटेड वो टॉपिक नहीं है तो आप वीडियो को मत देखना, लेकिन कम से कम आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपको याद रहेगा कि हाँ आपका रीरजिस्ट्रेशन करवाना है या जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इग्नू में चलती रहती है वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलती रहेगी। आपको अगर लगेगा कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो वो वीडियो देख लेना, आपको रिमाइंडर भी मिलते रहेगा। जैसे क्या हुआ कि इस बार रीरजिस्ट्रेशन के लिए कम से कम 4 बार डेट एक्सटेंड किए गए, तो 4 बार डेट एक्सटेंड किए गए और हर बार मैंने वीडियो बनाया कि डेट एक्सटेंड हो गया, तो अगर वो पहले देख लेते तो उनको पता चल जाता, उनका 6 महीने लॉस नहीं होता। तो इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको सभी तरह की इंफॉर्मेशन मिल पाए। ये हो गया 3 इन्फॉर्मेशन। तीसरा इन्फॉर्मेशन जो मैंने बताया कि अभी आप लोग को एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं करना, जितने भी स्टूडेंट्स ने जनवरी 2020 सेशन में एडमिशन लिया है बीए बीकॉम बीएससी या मास्टर डिग्री में, ठीक है, जो सर्टिफिकेट कोर्स है उनका तो एग्जाम फॉर्म फिलअप करना होगा, और जो जिनका सेमेस्टर वाइज है बीसीए का स्टूडेंट्स है उनको तो अभी एग्जाम फॉर्म फिलअप करना होगा, लेकिन जितने भी बीए बीकॉम बीएससी के हैं या बीएजी के हैं या मास्टर डिग्री के हैं उनको अभी फिलअप नहीं करने की जरूरत है, उनको सितंबर में करने की जरूरत है, ठीक है। अब चौथा इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म का लास्ट डेट एक्सटेंड होने के बारे में। तो देखो, आप लोग को पता है कि 31 मार्च तक तो लास्ट डेट आप लोग का एक्सटेंड कर दिया गया असाइनमेंट सबमिशन करने का, ठीक है, और 31 मार्च तक आप लोग का विदाउट लेट फाइन है। तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ज्यादा चांसेस है और इसकी इन्फॉर्मेशन आप लोग को जल्दी ही मिल जाएगी कि आप लोग का जो एग्जामिनेशन फॉर्म का भी लास्ट डेट है वो भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा विदाउट लेट फाइन। लेकिन आप लोग इस भ्रम में मत रहिएगा क्योंकि देखो, इग्नू में बहुत सारा चीज पॉसिबल रहता है, बहुत बार आप लोग जो सोचते वो नहीं होता है, जो नहीं सोचते वो हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग अगर कोई इशू नहीं है तो आप लोग अभी एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर देना, ठीक है, उसमें लेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पहले ही फिलअप कर दोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अगर मान लो अगर आप लोग वेट करते रहे और कहीं एक्सटेंड नहीं हुआ बाय चांस, तो फिर आप लोग को 500 रुपया लेट फाइन देना होगा, लेकिन चांसेस है कि एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन आप लोग पहले ही फिलअप कर देना। और जितने भी स्टूडेंट्स रिवेल्युएशन के लिए वेट कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि रिवेल्युएशन का रिजल्ट का जो फर्स्ट अपडेट आएगा वो आप लोग का 5 अप्रैल के बाद आएगा, ठीक है। 5 अप्रैल के बाद आप लोग का रिजल्ट का फर्स्ट अपडेट आ जाएगा रिवेल्युएशन का। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स रिवेल्युएशन के लिए भी वेट कर रहे हैं उनको भी मैं बता दूं कि आप लोग को भी पहले ही अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर देना, क्योंकि देखो अगर आप लोग रिवेल्युएशन के लिए
वेट करोगे तो रिवेल्यूशन का हर बार क्या होता है कि जैसे आप लोग का 5 अप्रैल को पहला अपडेट आएगा, रिवेल्यूशन का भी अपडेट आता है, एक अपडेट दो अपडेट इसी तरीके से अपडेट आएगा, तो रिवेल्यूशन का रिजल्ट डिक्लेयर करने में कम से कम इग्नू 90 डेज तक भी लगा देता है। इवन ऐसा भी होता है कि आप लोग जून का एग्जामिशन हो गया फिर भी आप लोग का रिवेल्यूशन का अपडेट आते रहता है, ठीक है। तो रिवेल्यूशन का रिजल्ट का वेट आप लोग मत करना, आपने अप्लाई कर दिया आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, लेकिन आप लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप जरूर कर देना जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप रिवेल्यूशन के लिए दिए हो, अगर आप उसमें फेल हो गए हो तो, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो आप रिवेल्यूशन का वेट कर रहे हो और रिवेल्यूशन में मार्क्स इंक्रीज ही नहीं हुआ और इधर आपने एग्जामिशन फॉर्म भी फिलअप नहीं किया तो फिर आपका फिर और 6 महीने लॉस हो जाएगा। तो मेक श्योर कि जो भी स्टूडेंट्स रिवेल्यूशन के लिए अप्लाई किए हैं वो लोग भी एग्जामिशन फॉर्म फिलअप कर देंगे, जिनका रिजल्ट पेंडिंग है वो भी एग्जामिशन फॉर्म फिलअप कर देंगे, ठीक है। उसमें लेट मत करना, आप लोग का डेट लेकिन एक्सटेंड होने का बहुत ज्यादा चांसेस है, जैसे इन्फॉर्मेशन मिलता है तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन था जो मुझे देना था, जो पांचवी इन्फॉर्मेशन, पहला इन्फॉर्मेशन था आप लोग का रिजल्ट का आज अपडेट कर दिया गया है, जितने भी स्टूडेंट्स का पेंडिंग रिजल्ट बाकी बचा हुआ था सभी का रिजल्ट आज अपडेट कर दिया गया है। दूसरा इन्फॉर्मेशन ये था कि आप लोग का फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के बारे में आप लोग जरूर अप्लाई करो, ये रियलिटी में दिखाने वाला था कि देखो किस तरीका से हो रहा है कि यहाँ पे मार्क्स कुछ और लिखा रहा है, यहाँ पे अपडेट कर दिया जा रहा है, इग्नू की गलती ही है, लेकिन आप लोग को जो भी इग्नू के ऑफिशियल्स हैं उनको ये देखना पड़ेगा कि इस तरीका से आप नहीं कर सकते, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के बारे में जानते भी नहीं है, अप्लाई भी नहीं करते, पता भी नहीं चलता, तो इस तरीके से तो उनका मार्क्स अपडेट हो जाएगा, ठीक है, और उनको पता भी नहीं चलेगा। तो ये गलती से जितने भी ऑफिशियल है वो बचे, आप लोग वीडियो को शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स को पता चले, सभी स्टूडेंट्स अवेयर हों और वो लोग भी फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट के लिए अप्लाई करें। जो बाकी इन्फॉर्मेशन था सभी स्टूडेंट्स के लिए, न्यू स्टूडेंट्स के लिए, कि उन्होंने उनको अभी एग्जाम फॉर्म फिलअप करने की जरूरत नहीं है, वो लोग सितंबर में एग्जाम फॉर्म अपना फिलअप कर सकते हैं और दिसंबर में एग्जामिशन दे सकते हैं। और बाकी जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताया वो था सभी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी डाउट के लिए आप लोग मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है, आप लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए भी इंस्टा मुझे का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। Thank you so much for watching this video. Have an awesome day. Thank you so much.